जलील भाई, जलील भाई, जलील भाई, अबे बोल ना। जलील भाई, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक है। इस साल सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट लीड्स मैंने किए हैं, इस साल सबसे ज्यादा टास्क मैंने कंप्लीट किए हैं, वो भी टाइमली। इसके बाद भी मेरा इंक्रीमेंट नहीं लगा। जलील भाई देखे, मैं ये कहने पे मजबूर हो रहा हूं कि ये नाइंसाफी है, या आप मेरे साथ नाजायज कर रहे हैं, या आप अनड्यू फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं। हाँ हाँ, आप डायरेक्टर साहब के पास लेके जाएंगे और डायरेक्टर साहब मेरे से बात करेंगे। मुझे पता है ये बात, ये डायलॉग मैं बहुत दफा सुन चुका हूं, लेकिन ये कब तक चलता रहेगा? बॉस को खुश करना, मैं कुछ समझा नहीं। अब तू जा घर जा, आराम से सो जा, तेरे को समझ में आ जाएगा, ठीक है? जलील भाई, हाँ बोल, फिर आ गया तू। जलील भाई ये देखें, आपके लिए चिप्स लाया हूं और साथ में ये जार भी लेके आया हूं। माशाल्लाह जलील भाई, आज तो बिल्कुल हीरो लग रहे हैं। और बोल। ब्लैक टाई लगा लेते ना, मां कसम आप बिल्कुल प्रॉपर लॉयर लगते हैं, लॉयर। माशाल्लाह जलील भाई, ये वाइट शर्ट तो आपके ऊपर बहुत ही अच्छी लग रही है। अबे बस कर नल्ले, बस कर, तू तो 6 महीने के अंदर कुछ ज्यादा ही सीख गया। सर अगर इस पे आप अगर ब्लैक टाई पहन लेते ना, तो पक्के लॉयर लगते। इनफैक्ट लॉयर भी आपके सामने फेलते अगर। थैंक यू सो मच जलील भाई, थैंक यू सो मच, यू आर द बेस्ट बॉस एवर, थैंक यू सो मच। मेरा दिल चाहे कि आपके हाथ चूम लूं, आपके हाथ चूमूंगा। अरे छोड़, अरे छोड़, अरे हाथ, अबे हाथ नहीं चूम, पागल हो गए? नहीं नहीं, मैं चूमूंगा आपके हाथ। हाथ, अबे हाथ नहीं चूम, पागल हो गए क्या? लोग गलत समझे, अरे जाने दे, बस हो गया होंगे। Sir, I thought that you're about to hit me. Oh, sir, how could I even think that? It is just respect for you. Respect? Standing up for someone while working is respect for you. Concentrate on your work. That is respect for me. Yes, sir. You called for me? Yeah, now I call for you. Now, can you get me the file for XYZ client? Sir, actually, we are still working on the XYZ client. It's been 2 weeks already since the bloody deadline, and still you're saying that the work is incomplete? Yes, sir. You have a very charming personality. What? Oh, I see. I've noticed that for the last 2 months, you haven't completed any of your tasks on time. Also, you haven't discharged any of your obligations that you're responsible for. All you come up with is buttering and also flattery. You've been flattering and trying to butter me up for the last 2 months.
I guess that's all you know, isn't it? Yes, sir, you have a very charming personality. जलील भाई, अबे तू इतनी जल्दी आ गया? तेरा तो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था, अभी तो सिर्फ 2 महीने हुए ना। अबे मैं तेरे को निकाल तो नहीं दिया उन्होंने? मेरे को पता था तेरे को निकाल देंगे। तू है ही नल्ला, तू यहाँ पे भी नल्ला था, तू वहां पे भी नल्ला होगा। तू यहाँ पे भी ठंड मचाता था, तूने वहां पे जाके ठंड मचाई होगी। तेरे को काम आता नहीं है, मुंह उठा के चला गया था तू यूके में काम करने। मेरी तेरे पूरी जिंदगी देखा था, तेरे को कुछ भी नहीं आता था। तू का बेकार तरीन एम्प्लॉई, यहाँ पे तेरा कोई काम नहीं था, तो हमारे ऊपर एक बोझ है, बोझ। लेकिन जलील भाई, आप बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग है। तुझे बोल, लेकिन तू इतना भी बुरा नहीं है। वैसे एक बात बताऊँ, तू नल्ला नहीं है, उनकी आंखें ही नहीं पहचानने वाली है तेरे अंदर कितना टैलेंट है। मैं अभी काम कर रही हूँ, तुम मेरे साथ काम करेगा ना तो तेरी लर्निंग होगी, फिर यूके तो क्या, तू मार्च जाके काम करेगा। मुझे आपके साथ काम ही नहीं करना है। इनफैक्ट मुझे इस ऑफिस में ही काम नहीं करना है, मैं तो यहाँ अपना रेजिग्नेशन देने आया हूँ। तू पागल पागल हो गया? जिंदगी में मोर ना क्या, किसने देखा? अबे चुप! मोर नाचा किसने देखा? अब एक और लफ्ज अगर तूने बोला ना, यही तुझे मोर नचा दूंगा, तू नाचेगा और सब देखेंगे यहां पर। क्या समझा हुआ है तूने? हाँ, क्या समझ के रखा हुआ है? हम इंप्लॉयज हैं या तेरे गुलाम हैं? इतना मैनिपुलेट करते हो तुम लोग? क्या कर रहा था मैं? हाँ, मेरे जैसे हार्ड वर्किंग इंप्लॉयज, तुम जैसे लोगों की वजह से, तुम जैसे घटिया बॉसेस की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते, और ये तुम्हारे ये वाले इंप्लॉयज आगे निकल जाते हैं। यही सिखाया था ना तुमने मुझे, इस वजह से उन्होंने निकाला है। अब तुम देखो, मैं जाऊंगा इस ऑफिस छोड़ के, लेकिन सबको तुम्हारी असलियत बताकर जाऊंगा। इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करूंगा और बताऊंगा कि तुमने कितने लड़कों का, कितने लोगों का करियर बर्बाद किया है अपनी इन घटिया हरकतों की वजह से। मैं चाहता हूं अपने डायरेक्टर साहब के पास एक शिकायत लगाने। फिर तुम नाचोगे और सब देखेंगे। जंगल में मोर नाचा।